subscribe to my channel Zaika Kanpuri and also press the bell icon. You will never miss out my upcoming video. Assalamu alaikum friends, main Sumaiya and welcome to Zaika Kanpuri. Aaj hum banane ja rahe hain apne kitchen mein tomato ki sabzi. To chaliye sabse pehle cheeze dekh lete hain. Mere kaafi friends ki request thi ki main tomato ki sabzi banana bataun. To chaliye sabse pehle yahan humne tomato le liya hai. 3 टमाटो ले लिए मीडियम साइज़ के, रेड टमाटो हैं, 2 ओनियंस ले लिया है, ओनियन हमने मीडियम साइज़ के लिए हैं, अच्छे से चॉप कर लिया है टमाटो को भी और ओनियन को भी. यहाँ पर मैंने गार्लिक ले लिया है, 9 से 10 गार्लिक की कलियाँ हैं, इन्हें अच्छे से हमने चॉप कर लिया है. 5 हमने हरी मिर्ची ले लिया है, इन्हें भी अच्छे से चॉप कर लिया है. और एक लाल मिर्ची ले ली है, इन्हें भी तोड़ लिया है हाथों से. ज़ीरा ले लिया है मैंने 1 टीस्पून, कुटा हुआ ज़ीरा ले लिया है, भुना कुटा ज़ीरा 1/2 टीस्पून, नमक 1.5 टीस्पून, मेथी 1 टीस्पून, सरसों 1.5 टीस्पून, करी पत्ता 10 से 12. यहाँ पर ले लिया है मैंने कुटी हुई काली मिर्च 1/2 टीस्पून, कश्मीरी लाल मिर्च 1 टीस्पून, अच्छा कलर लाने के लिए. तो देखिए फ्रेंड्स, हमने पैन में 2 टेबलस्पून सरसों का तेल ऐड कर दिया है. इस सब्ज़ी में सरसों का तेल ऐड करें तो ज़्यादा बेहतर है, वरना आप कोई भी वेजिटेबल ऑयल ऐड कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम जीरा ऐड कर देंगे, सरसों ऐड कर देंगे, मेथी और अब लहसुन मिक्स कर देंगे. तो लहसुन को हम अच्छे से भून लेते हैं पहले. तो करी पत्ता ऐड कर देंगे, लाल मिर्च मिला देंगे, सभी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे. तो फ्रेंड्स, आप चाहें यहाँ पर तो फिर इतने सारे इंग्रेडिएंट ना भी ऐड करें, सिर्फ लहसुन, टमाटर, प्याज और ज़ीरे से तड़का देकर भी ये सब्ज़ी रेडी कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ ज़्यादा मसाले ऐड कर रही हूँ तो सब्ज़ी ज़्यादा टेस्टी बनेगी. अब हरी मिर्च ऐड कर देंगे, प्याज, तो फ्रेंड्स अब तक की मेरे जो गैस की फ्लेम थी वो स्लो थी और अब हमने हाई कर दिया है. प्याज को अच्छे से भून लेंगे हम, कलर ज़्यादा नहीं चेंज करेंगे इनका हम. तो देखिए फ्रेंड्स, प्याज तो अच्छे से भून गए हैं और अब हम इसी टाइम टमाटो ऐड कर देंगे, मिला देंगे. तो टमाटो हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं, नमक ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे. नमक जाते ही टमाटो और ज़्यादा पानी छोड़ने लग जाएगा. और अब हम पैन में ढकना ढक देंगे और टमाटो को टेंडर होने देंगे. तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ढकना हटा दिया है सब्ज़ी के ऊपर से और बचे हुए मसाले ऐड कर देते हैं, मिला देंगे. हमने ढकना लगाकर 2 मिनट कुक किया था, उसके बाद मसाले ऐड किए हैं और अब हम इसमें 1/4 कप पानी ऐड कर देंगे. अब सभी इंग्रेडिएंट को हम टेंडर होने देंगे, 5 मिनट के लिए कुक कर लेंगे. तो ये देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट बाद सारा पानी इसका सूख गया है और इसको हम अच्छे से भून लेंगे. तो ये देखिए फ्रेंड्स, सब्ज़ी कितनी अच्छे से भून गई है. अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं. तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्ज़ी रेडी हो गई है. कितनी अच्छी सब्ज़ी तैयार हुई है. आप ज़रूर बनाएं इसे एक बार और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करें. वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा. और मैं आपको बता दूं ये सब्ज़ी के लिए कि अगर आप इसको 4 इंग्रेडिएंट ऐड करके बनाएंगे तो भी अच्छी बनेगी, जिसमें से प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, टमाटर और वैसे ही ज़ीरे से तड़का दे दीजिए. नमक ऐड करके आप अच्छे से बना सकते हैं, लेकिन आप जितने मैंने इंग्रेडिएंट ऐड करके बनाए आप वैसे भी बना सकते हैं. जो आपको ईजी लगे आप उस तरह से बनाएँ. अल्लाह हाफिज़.